बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोग यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसके आज हम लोग पहले चार न्यूमेरिकल देखेंगे, आप उनकी स्टेटमेंट देखेंगे अपनी बुक से। पेज नंबर आपके पास जो है वो 115 है। अच्छा, इस पे पहला न्यूमेरिकल देखें, उसकी स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 केजी। हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, उनका दोनों का अलग अलग मास अगर देखा जाए तो 1000 के जी है, और हम लोगों ने उनके दरमियान फोर्स ऑफ जो है अट्रैक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। उन जो बॉल्स हैं, जो स्फीयर्स हैं, उनके दरमियान जो फासला, जो डिस्टेंस है, वो 0.5 मीटर है। अब देखते हैं हमारे पास जो गिवन डाटा है, वो गिवन डाटा में हम लोग उसे देखते हैं कि वो चीज़ हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। पहली बात यह कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स के मैसेज गिवन है। एक हम लोगों से कह देते हैं वो M1 है 1000 के जी, दूसरा M2 वो भी हमारे पास 1000 के जी है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है, और वैल्यू ऑफ जी हमें मालूम होती है वो 6.673 −11 होती है। हमें कहा यह जाता है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आप फाइंड आउट करें। हम लोगों ने फोर्स को फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो फार्मूला है F=gm1m2/d का स्क्वायर, इसके जरिए हम लोग इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी की जगह पे 6.673 × 10⁻¹¹, M1 की जगह पे 1000 और M2 की जगह पे भी 1000, और D का स्क्वायर है नीचे, तो इसलिए हम लोग 0.5 का स्क्वायर ले लेंगे। जब हम लोग इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, फोर्स आ जाएगी हमारे पास 2.678 × 10⁻¹⁴ न्यूटन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल नंबर 5.2 देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। हमारे पास फोर्स गिवन है 0.006673 न्यूटन, और हमारे पास उसका फासला दे दिया गया, डिस्टेंस दे दिया गया 1 मीटर, और हमें कहता है कि आपने उनके मैसेज को फाइंड आउट करना है। लेकिन साथ उसने ये भी बता दिया कि वो दोनों जो मैसेज है वो आइडेंटिकल है, एक ही जैसे हैं। हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उसने हमें खुद ही कह दिया कि दोनों मैसेज आइडेंटिकल हैं, एक ही जैसे, इसका मतलब क्या होगा, M1 वो M2 के बराबर होगा, और हम लोग उन्हें M से ही मेंशन कर देते हैं क्योंकि दोनों एक ही जैसे। हम लोग क्या देखते हैं कि वही फार्मूला जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हमारे पास जो फार्मूला है F=gm1m2/d का स्क्वायर। जब हम लोग m1 और m2 की जगह खाली m लगा देंगे, इन दोनों की जगह m लगा देंगे, तो हमारे पास ये m का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बन गया F=gm2/d का स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने मैसेज को फाइंड आउट करना है, मैसेज को यहीं पर रहने दें, बकाया सारी वैल्यू उससे हटा लेंगे, d का स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, gm स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, m का स्क्वायर = fd का स्क्वायर / G। इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी, f की जगह पे हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई है वो हम लोगों ने पुट कर दी, ठीक है, 6.673 × 10⁻³, d का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आ गया, और नीचे कैपिटल जी की वैल्यू हम लोगों ने 6.673 × 10⁻¹¹ हम लोगों ने पुट की, इसे सॉल्व किया, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 1 × 10⁻⁸। लेकिन ये हमारे पास आ रही है m के स्क्वायर की वैल्यू। अगर हम लोग खाली एक मैस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, दोनों साइड में अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास मैस आ जाएगा 1 × 10⁻⁴, जिसे हम लोग 10000 kg भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए 5.3। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, जी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 × 10⁻³ kg। हमारे पास मास ऑफ मार्स हमारे पास गिवन है, वो हम लोग उसे कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम, हम लोग इस तरह से छोटा एम साथ लिखे से जो है डिनोट करते हैं, 6.42 × 10⁻³ kg। अच्छा, और हमारे पास जो है रेडियस ऑफ मार्स, वो भी हमारे पास दे दिए गए 3370 किलोमीटर। तो देखिए, इसे भी हम लोगों ने रेडियस ऑफ मार्स को, इसे मार्स को हम लोगों ने स्मॉल एम से मेंशन कर दिया इसके साथ, तो रेडियस ऑफ मार्स 3370 किलोमीटर। इसे हम लोगों ने, पहली बात है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया इस बड़ी वैल्यू को, और किलोमीटर को भी हम लोगों ने चेंज कर दिया, किलो की जगह पे हम लोगों ने जो है इसकी वैल्यू पुट कर ली, तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह से बनेगी 3.370 × 10⁻⁶ मीटर। हम लोगों ने, हमारे पास क्योंकि वैल्यू जी गिवन है 6.673 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ जी अगर हम लोग अर्थ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग उसे कन्वर्ट कर देते हैं मास के हिसाब से, तो हमारे पास यूँ बन जाते हैं जी एम इज इक्वल टू कैपिटल जी एम 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 मतलब मास ऑफ मास और आर एम का स्क्वायर। इसके अंदर हम लोगों ने जब वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी ऑन मास आ गई 3.77 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, आज का लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 5.4।
The acceleration due to gravity on the surface of a moon is 1.62 meter per second square. Value of g हमारे पास दे दी गई है, ठीक है, हमारे पास जो दी गई है वो moon की दे दी गई है 1.62 meter per second square. और हमारे पास कहते हैं the radius of moon is 1740 kilometer. तो हमारे पास radius भी given है 1740 kilometer. Same वही काम हम लोग करेंगे, इसे scientific notation में भी convert कर देंगे और kilo की value को भी हम लोग change कर देंगे. तो हमारे पास u बन जाएगा 1.740 × 10⁶ meter. हमारे पास वैल्यू जी फिर ऑलरेडी गिवन है 6.673 × 10⁻¹¹ और हमें कहा जाता है कि आपने मास ऑफ मून फाइंड आउट करना है. तो फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा कि वैल्यू ऑफ जी का हम लोग कैलकुलेट करते हैं मून के ऊपर, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है जी एम इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ मून ओवर आर एम का स्क्वायर और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. अगर हम लोगों ने मास ऑफ मून को फाइंड आउट करना है बकाया सारी वैल्यूज उससे हटा देंगे तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा. मास ऑफ मून इज इक्वल टू जी एम आर एम का स्क्वायर और कैपिटल जी, इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया 7.35 × 10⁻³² kg. आप लोगों ने इसे सारे जो न्यूमेरिकल्स करवाए गए हैं इन्हें आप लोगों ने करके अपने नोटबुक पर सॉल्व भी करना, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.